गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चों सब ठीक हैं? देखिए हमने आपको जो है चैप्टर 13 कंप्लीट कर दिया है। कितने कंप्लीट कर दिए? चैप्टर 13। अब बच्चों हम जो है आपके एग्जाम आ रहे हैं, इस समय एक बार फिर रिवीजन करते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर आएंगे और उसमें क्या क्या बताया था। ठीक है, तो हम जो है हमने आपको बताया कि आपके 3 चैप्टर आएंगे अभी, पार्ट तीसरा मैंने बताया आपको, आपका चैप्टर फर्स्ट और सेकंड अर्थात पार्ट 1 और 2, पहला दूसरा पार्ट तो आपके पहले आ चुके थे, अब आएगा है पार्ट तीसरा। पार्ट तीसरा बच्चों क्या है? लालच की सजा, लालच की सजा। मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था ना कि जो लालच करता है भगवान उसे जरूर सजा देते हैं। तो अब हम अभी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 लालच की सजा, जो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बच्चों आपको मैंने बताया था, एक बार एक साधु थे, तो जहाँ वो रहते थे वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। एक साधु थे, वो बहुत धार्मिक और सीधे साधे थे, यानी भगवान की पूजा पाठ करते थे और बहुत सज्जन थे, सीधे साधे थे। तो उस समय देश में क्या पड़ा हुआ था? जहाँ वो रहते थे वहां अकाल पड़ गया। क्या पड़ा था? अकाल, है ना? और खाने को कुछ नहीं, बारिश नहीं हो रही थी, चारों ओर लोग भूख से मर रहे थे। तो जो पहले साधु को रोज खाने को देके जाते थे, अब वो उनके पास ही कुछ खाने को नहीं था, तो साधु को कैसे देके जाते? ठीक है बच्चों, तो उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था और लोगों को खाने की खुद ही कमी थी, इसलिए साधु को कौन दे जाता? तो बेचारा साधु को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। तो साधु ने सोचा कि जब भूखे मरने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, भूखे रहने से अच्छा है, भूखा प्राण देने से अच्छा है कि मैं वैसे ही मर जाऊं। तो मरने की इच्छा से वे जंगल में मरने के विचार से गए। उन्होंने कहा आज मैं जंगल में जाकर मर जाऊंगा। तो जंगल में जाते हैं मरने के लिए, तो मरने से पहले उन्होंने सच्चे मन से भगवान का नाम लिया। जब वो मरने जा रहे थे जंगल में, तब उन्होंने सच्चे मन से भगवान का नाम लिया और वे प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना की कि मेरे जो है गलतियों को क्षमा करो, और वो मरने के लिए चले। इतने में जंगल में उन्हें क्या दिखाई दिया? एक शेर दिखाई पड़ा। बच्चों कौन दिखाई पड़ा? शेर। तो उनको साधु को शेर दिखाई पड़ा। साधु ने सोचा, साधु डरे नहीं उसे, वो बोले मैं तो मरने के लिए आया हूँ और जो है ये मुझे मार देगा और खा जाएगा, तो कम से कम इसकी भूख तो मिटेगी एक दिन की। तो साधु डरता नहीं है और जो है वो उसको जो है कुछ नहीं कहता, और जो कहता है कि इसकी भूख आज शांत हो जाएगी। शेर ने पास आकर कहा, तुम उससे डरते क्यों नहीं? साधु ने ये सब बातें बताकर कहा कि तुम मुझे झटपट मार कर खा जाओ तो तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी, क्योंकि मैं तो मरने के लिए ही आया हूँ। तब जो शेर था वो शेर वन का देवता था। बच्चों वो शेर कौन था? वन का देवता था। वो तो साधु को जो है साधु की अच्छे कार्य के कारण उन्हें दिखाई दिया था, है ना? तो जब साधु ने कहा कि देखो मैं तो मरने के लिए आया हूँ, क्योंकि देश में अकाल पड़ा हुआ है, भूखे मरने से अच्छा मैं वैसे मर जाऊं, इससे तुम मुझे खा जाओ और जब तुम जो है अपनी भूख शांत करो। तब जो है वन के देवता जो शेर बनकर आए थे, उन्होंने उनकी उससे वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए उसकी सच्चाई पर। वो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, है ना बच्चों? तो उससे प्रसन्न होकर वन देवता ने 500 सोने के सिक्के दिए। वन के देवता जो शेर बनकर आए थे ना बच्चों, उन्होंने साधु को 500 सिक्के सोने के लिए। कितने सिक्के? 500 सिक्के। कितने सिक्के? 500 सिक्के काय के लिए? सोने के दे दिए, है ना? और जो है इस प्रकार जो साधु वापस घर चला गया। सवेरे हुई, सुबह हुई, तो साधु एक सिक्का लेकर बनिए के पास, बनिया होता है जो दाल आटा, है ना, मिर्च मसाले पीसता है। तो वह बनिए से आटा दाल लेने गया। तब बनिए ने पूछा और उसने उसे सिक्का दिया। एक सिक्का जो शेर ने दिया था ना वन के देवता ने, वो उसने बनिए को दिया और उसे आटा दाल लेने को। तो जैसे उसने सिक्का दिया, तो बनिए ने पूछा कि उसे सिक्का कहाँ से मिला। साधु ने सच्ची बात बता दी। साधु ने कहा कि ये सिक्का मुझे जो है एक शेर ने दिया, मैं जब मरने के लिए जा रहा था,
तो शेर ने, शेर आया और शेर को मैंने सारी बात बताई और शेर ने प्रसन्न होकर मुझे ये सिक्का दिया। तो उसने कहा अच्छा, तो फिर जो है उसने सोचा अरे मैं भी ऐसे करूंगा और जाऊंगा और मुझे भी बहुत सारे सिक्के मिलेंगे। और ऐसा कहकर जो है चला गया अपने आटा दाल लेकर। बनिया बड़ा लोभी था, लालची था, तो पता क्या हुआ, रात को सोने के सिक्के के लोभ में वन में गया। उसने कहा जल्दी से रात को मैं भी कहाँ जाऊँ, वन में जाऊँ। तो रात को सोने के सिक्कों के लोभ में वन में गया, उसने भी भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की। इतने में शेर आया, बनिए से पूछा, बनिए ने कहा तुम झटपट मुझे खाकर अपना पेट भर लो। उसे क्या किया, क्योंकि वो लालची का बच्चों बनिया लालची का, शेर ने उसे कुछ पूछा ही नहीं और उससे पहले जो है वो वहां गया और जो उसे झटपट अपनी बात बताई। उसे कहा तुम झटपट जो है मुझे मारकर खा जाओ, है ना। वो ये थोड़ी चाहता था, वो तो चाहता था कि मुझे क्या दे, सिक्के दे, तुम झटपट मुझे खाकर पेट भर लो। तो शेर रूप में जो बन का देखता था वह समझ गया, बनिए की लोभ को समझ चुका था। क्रोध में आकर उसने शेर ने बनियों का एक पंजा मारा, क्या मारा, एक पंजा मारा और उसका एक कान चिथड़े चिथड़े होकर उड़ गया और एक आंख फूट गई। तो उसे लोभ का सजा मिला। देखो बच्चों, लोभ लालच, वो साधु सच्चा इंसान था, उससे सच्ची बात बताई थी शेर को। जो शेर जो है वो जो वन का देवता था, वन का देवता साधु की परीक्षा लेने आया, साधु ने सारी सच्ची सच्ची बात बताई। लेकिन ये बनिया जो था तो लोभी था, वो तो लोभ के कारण गया था कि मैं भी ऐसे ही शेर को कह दूंगा और मुझे भी शेर क्या देंगे, सिक्के देंगे सोने के। तो शेर ने, शेर समझ गया कि तो लालची है, लोभी है। उससे शेर ने एक पंजा मारा, उसके कान भी चिथड़े चिथड़े हो गए और एक आंख भी फूट गई। तो इसमें जीवन में कभी क्या नहीं करना चाहिए, लोभ लालच। तो बच्चे इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है, देखो आपको इसके मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो एक प्रश्न होता है उसके तीन ऑप्शन होते हैं, एक प्रश्न होता है उसके तीन ऑप्शन होते हैं और उनमें से जो सही होता है उसी को हमें क्या लिखना होता है, उसमें ब्रैकेट में लिखना होता है। अब मैं आपको देखो प्रश्न पूछती हूँ, साधु को खाने पीने को क्यों नहीं मिल रहा था, साधु को खाने पीने को बच्चे क्यों नहीं मिल रहा था, क्या हो गया था वहां, अकाल पड़ गया था, वर्षा हो रही थी या साधु खराब था। तो ऐसे करके ऑप्शन बनते हैं, फिर एक ऑप्शन जो सही होता है वो ऑप्शन हमको इसमें लिखना होता है। तो मैं इसको सारे प्रश्न पर आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ और इसमें ऑप्शन होंगे, तो जो मैंने आपको इसके बारे में बताया इसको आप जो छोटे छोटे प्रश्न बनाना। अच्छा बताओ, जो शेर के रूप में कौन था, शेर के रूप में कौन था, शेर के रूप में वन का देवता था या नदी का देवता था या जो है इंद्रदेव थे। तो शेर के रूप में कौन था, वन का देवता। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया, मैंने आपको प्रश्न उत्तर बताया कि किस प्रकार से ये मल्टीपल चॉइस प्रश्न उत्तर आता है। तो इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ना और हर प्रश्न में, हर लाइन में जो है एक एक प्रश्न छुपा होता है, उसका उत्तर भी होता है, है ना। उसी प्रकार है जैसे साधु कैसे थे, तो साधु धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कैसे थे, धार्मिक, है ना। अच्छा अब मैं आपको चैप्टर बता, अब इसमें जो शब्दार्थ है, हम शब्दार्थ देते तो उनके शब्द और अर्थ भी आपको याद करने हैं, ये भी आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न है, साधु की बात सुनकर शेर ने उसे क्या इनाम दिया, क्या इनाम दिया था, साधु की बात सुनकर शेर ने उसे क्या दिया, एक तलवार दी, क्या दिया, एक कुल्हाड़ी दी या 500 सोने के सिक्के थे। तो क्या दिया, 500 सोने के सिक्के। तो इस प्रकार आपके लिए प्रश्न उत्तर है। अब जो है मैं आपको जो है एक और चैप्टर बताती हूँ, चैप्टर 4 हमारा, तीन चैप्टर आएंगे ना अपने, तो पहला तो क्या लालच का फल, दूसरा है हमारा विद्यालय, किसका विद्यालय है, हमारा। ये जो बच्चा है ये बच्चा अपने विद्यालय के बारे में बता रहा है और इनके विद्यालय का नाम बच्चों क्या है,
के विद्यालय का नाम है विद्या भवन विद्या, और अपने विद्यालय का नाम क्या है? रावत, रावत पब्लिक, रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना। अपने तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी ब्रांचे है बच्चों। मानस रोड में भी है, विवेक विहार में भी है, भागपुटा में भी है, प्रताप नगर में भी है, कितनी ज्यादा है। और कॉलेज भी है अपने, तो भाई अपना तो बहुत बड़ा है, है ना। तो देखो अपन जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा विद्यालय। ये बच्चा जो है अपने विद्यालय के बारे में बता रहा है कि उसका विद्यालय जो है वो तीन मंजिला है, तीन मंजिला यानी तीन मंजिल का है। और वो बताता है कि इसमें लगभग 40 कमरे हैं, है ना। और वो बताते हैं कि इसमें प्रत्येक कमरा जो है उसमें जो है प्रकाश आता है, हवा आती है, और पंखों की उचित व्यवस्था है। और प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में एक सुंदर फुलवारी है। क्या है बच्चों? सुंदर फुलवारी है, और वहाँ हरी हरी घास और रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। और ये भी बताता है कि जहाँ हमारा एक बहुत बड़ा मैदान है वहाँ हमारी प्रार्थना होती है। वो बताते हैं विद्यालय के बीच में एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ उनकी क्या होती है? प्रार्थना होती है। और खेल के समय बच्चों को क्या करा जाता है? खेल भी खिलाया जाता है। बच्चों अपने स्कूल में भी बहुत बड़ा मैदान है ना खेलने का, है ना। देखो उसके बाद वो बता रहे कि हमारे जो है एक प्रधानाचार्य जी का कमरा है ना। हमारा विद्यालय पहली से 12वीं कक्षा तक है। ये बच्चा जो अपने विद्यालय के बारे में बताता है, बच्चा बता रहा है कि हमारे विद्यालय में लगभग 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 1000। और वहाँ एक प्रधानाचार्य भी है। बच्चों बताते कि विद्यालय में कमरे में पुस्तकालय तथा तीन कमरों में विज्ञान की प्रयोगशाला है ना, जिसे लैब कहते हैं। और वह यह बताते कि हमारे विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। कितने अध्यापक बच्चों? 40। और वो बताते हैं कि सारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही योग्य उदार हमारे को बताते हैं कि हमारे प्रधानाचार्य जी है बहुत योग्य और अनुशासन प्रिय है। तो इस प्रकार वो अपने विद्यालय के बारे में बताता है। अब मैं आपसे देखो इसमें शब्दार्थ है ये वाले भी आप याद करना, जैसे बाबे का कहता बड़ा, ये मैंने लिखा रखे। अब इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बहुविकल्प, ये पार्ट चौथे में लिखे हुए हैं। पार्ट तीन क्या आप खुद बना लेना, दो तीन प्रश्न जो मैंने बताए पार्ट चार। बच्चों इनको कहते हैं सही उत्तर के साथ में सही का चिन्ह लगा, यानी एक प्रश्न होता है उसमें दो या तीन ऑप्शन होते हैं, उसमें जो ऑप्शन सही होता है वो वाला में लिखना होता है, ठीक है। तो पार्ट चार में आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, देखो ये वाले आपको लिखने हैं, ठीक है। बहुविकल्प कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? बहुविकल्प। बहुविकल्प का मतलब एक प्रश्न का तीन चार विकल्प होता है, सही उत्तर का कोष्टक में लिखना होता है, ठीक है। बहुविकल्प प्रश्नोत्तर, ठीक है, ये पार्ट चार में। जैसे हमारे विद्यालय में इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, लेकिन किसी में तीन ऑप्शन होते हैं, किसी में चार, तो ये वाले आपको कॉपी में करना है। हमारे विद्यालय में तीन मंजिला भवन है, बड़ा भवन है, तो आपको क्या लिखना है? इन्होंने क्या बताया था? तीन मंजिला भवन है, तो तीन मंजिला भवन वाले पे राइट लगाना। विद्यालय के बीच में है, विद्यालय के बीच में मैदान है या फुलवारी है, तो मैदान है, तो मैदान पे राइट लगाना है। हमारे विद्यालय में इन्होंने बताया कि 1000 विद्यार्थी है या 5000, बच्चों कितने विद्यार्थी है? 1000, तो आप 1000 पे लगाना। हमारे प्रधानाचार्य बहुत अनुशासन प्रिय है या बहुत क्रोधित होते हैं, तो इसमें आएगा बहुत अनुशासन प्रिय है। तो ये जो बहुविकल्प प्रश्न कहलाते हैं, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगा, चिन्ह भी लगना होता है या कोष्टक में हम लगा भी सकते हैं। आप एक बार पहले फर्स्ट टेस्ट दे चुके हो तो सेकंड टेस्ट में इसी प्रकार का होगा, तो उसमें तीन या चार ऑप्शन होते हैं, तो जो भी हमारा राइट होता है उसका उसमें भरना होता है, ठीक है। तो ये वाले आप कॉपी में कर लेना, ये काय में करोगे आप? कॉपी में करोगे। ये प्रश्न काय में करोगे? कॉपी में, जो मैंने पढ़ के बताया है, ठीक है। अब एक चैप्टर आता है आपका सूरज की किरणें, काय
ठीक है, याद कर लेना। देखो सूरज की किरणें में, जब सूरज की किरणें कब निकलती है, जब अंधेरा रात का अंधेरा खत्म होते ही सूरज निकलता है, सूरज की किरणें फैलती है चारों ओर धरती आंगन पे, है ना। बीती रात फैला उजाला, यानी रात बीत जाती है और चारों ओर उजाला होता है। ये उजाला कौन करते हैं? सूरज भगवान, सूरज की किरणें। तो घर आंगन में उतरी सूरज की किरणें, जब सूरज की किरणें आती है बच्चों तो चारों तरफ उजाला हो जाता है। क्या हो जाता है? चारों तरफ उजाला हो जाता है, कण कण में, पत्ते पत्ते पर। और जब सूरज की किरणें बिखर जाती है चारों ओर और पर्वत की चोटी पर, यानी सूरज की किरणें तो पहले भी पहुंची रहती है चारों पर्वत की चोटी हो और झरनों के साथ सूरज की किरणें खेलती है बच्चों, और सागर की लहरों पर भी सूरज की किरणें नाचती। सूरज की किरणें कैसे नाचेगी? सागर में पानी होता है, पानी ऐसे से लहराता है, तो जो किरणें पड़ती हैं वो भी ऐसे लगता है जैसे कि वो नाच रही हो, है ना। और पंछी के पंखों पर और पक्षी जो होते हैं उनके पंखों पर भी जो है सूरज की किरणें क्या होती है, चमकती रहती है, ठीक है बच्चों। और फूलों पर, फूल जो होते हैं उन पर भी सूरज की किरणें लहराती रहती है, और धरती के हर कोने में चारों तरफ सूरज की किरणें फैलती है और नई चिंता नई खुशियां लाती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो है आपको पता है सूरज की किरणें कब अच्छी नहीं लगती? गर्मी में। कब नहीं अच्छी लगती? गर्मी में। गर्मी में आंखें दिखलाई, गर्मी में सूरज की किरणें बच्चों में क्या होती है, चुभती है आंखों पे। लेकिन अच्छी कब लगती है? सर्दी में। और सर्दी में हमारे मन को भाती है, हमारे मन को सूरज की किरणें भाती है। गर्मी में सूरज की किरणें हमें जो आंखें दिखाती है तीखी लगती है, और सर्दी में हमारे मन को अच्छी लगती है ना, क्योंकि जब सर्दी में हमको सूरज की किरणें धूप बहुत अच्छी लगती है, छम छम करती बरखा के संग, बरखा यानी वर्षा, सतरंगी बन आई सूरज की किरणें। और जब बारिश आती है तो सूरज की किरणें सात रंग लेकर इंद्रधनुष के समान निकलती है। तो सूरज की किरणें जो बच्चों कहाँ कहाँ पहुंचती है? पक्षी, पक्षियों के पंखों पर, है ना, सागर में, और जो है और बरखा के संग रहती है इंद्रधनुष बनकर, और फूलों पर लहराती है, और कांका झरनों के साथ खेलती है, और हर घर आंगन में सूरज की किरणें उतरती है। तो इस प्रकार मैंने आपको क्या बताया? सूरज की किरणें। अब आपके कितने चैप्टर वापस दोहराने में हो गए? तीसरा लालच की सजा, चौथा हमारा विद्यालय, पांचवा सूरज की किरणें। अर्थात सूरज की किरणें कण कण में है, पत्तों पर है, घर आंगन में है, पक्षियों के पंखों पर है, सागर पे है ना, धरती के हर कोने में है, और सूरज की किरणें उजाला लाती है, झरने पे है, पर्वत पर है, और सभी की सहेली बनी हुई होती है सूरज की किरणें, अर्थात चारों तरफ रहती है, इससे सबकी सहेली बन जाती है। और गर्मी में सूरज की किरणें तीखी लगती है, और सर्दी में सूरज की किरणें बहुत अच्छी लगती है, अर्थात धूप अच्छी लगती है। बच्चों मैं आपको इसके शब्दार्थ है इसको आप याद रखोगे। उजियारा का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। जब मैं पढ़ाया था तब मैं आपको बताया था पर्वत यानी पहाड़, संध यानी साथ, सागर यानी समुद्र, और पंछी यानी पक्षी, धरती यानी पृथ्वी, बरखा यानी वर्षा, और सतरंग यानी सात रंगी। कभी इंद्रधनुष देखा है बच्चों? इंद्रधनुष देखना बारिश के बाद सात के दिनों में इंद्रधनुष का सात रंगों का आकाश ना। अच्छा बेटा सूरज की किरणें किस किस की सहेली बनी है? सूरज की किरणें पर्वत की, सागर की, पंछी की, फूलों की, है ना, पत्तों की, सभी की सहेली बनी है। किसके पंखों पर सूरज की किरणें चमकती है? किसके पंखों पर? पक्षी के पंखों पर। किसके किरणों पर सूरज की किरणें चमकती बच्चों? पक्षी के पंखों पर। और सूरज की किरणें गर्मी और सर्दी में कैसी लगती है? गर्मी में तो तीखी लगती है ना, आंखें दिखलाती है, और सर्दी में मन को अच्छी लगती है, ठीक है। तो आप इस प्रकार जो है मैंने आपको तीनों चैप्टर दोबारा एक्सप्लेन किया है, एक बार आप दोबारा इन चैप्टर को
ये पांच चौथे। इसमें भी छोटे छोटे प्रश्न है और शब्दार्थ है, उनका बच्चे से दोबारा पढ़ना और लिखना, ठीक है। छोटे के प्रश्न मैथमेटिकल चॉइस आप बनाना है एकदम, ठीक है, और आपको लिखने हैं और याद करना है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे बच्चे बनकर अच्छी पढ़ाई करो। और दूसरा इसके जो व्याकरण में है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, व्याकरण में जो चैप्टर आएंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। आप एक बार चैप्टर एक बार दोबारा समझना।